Hi everyone, welcome back to Lead Coding. I am Faraz and I am a software engineer at CureFit. So in this video, we will be talking about things that you need to prepare well for your technical interviews. Okay? तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कैंपस प्लेसमेंट्स की एज वेल एज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की. ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड. द वेरी फर्स्ट थिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड प्लान. आपके पास होना चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान. और मैं अभी बता देता हूँ कि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, बट वॉच द कम्प्लीट वीडियो टू नो एवरीथिंग. ठीक है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन सुन के जाओगे, यू विल गेट कन्फ्यूज. ऑल राइट, अब देखो इसका जो सिलेबस है इंटरव्यू प्रिपरेशन का, दैट सिलेबस इज सिग्निफिकेंटली लेस देन योर JEE सिलेबस. मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी गिवन द JEE एग्जाम्स, आप लोगों ने प्रिपेयर भी किया होगा एक साल या दो साल. तो वो जो हमने सिलेबस वहाँ किया था उससे सिग्निफिकेंटली कम है हमारे प्लेसमेंट का सिलेबस. इफ़ यू नो एग्जैक्टली वॉट टू स्टडी वॉट नॉट टू स्टडी, कहाँ पर टाइम देना चाहिए कहाँ पर टाइम नहीं देना चाहिए, ओके, और किस चीज़ को कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए. सो दैट इज़ वाई वी नीड अ स्ट्रक्चर्ड प्लान. ठीक है, जो कि मैं आपको ऑब्वियसली प्रोवाइड करूँगा इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज टू स्टडी ईच एंड एवरी थिंग. जो भी मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, द इंग्रीडियंट्स, सो हाउ टू कवर ऑल दोज थिंग्स आई विल बी टेलिंग यू इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल. सो आफ्टर दिस स्ट्रक्चर्ड प्लान, वॉट एल्स डू यू नीड? You have to be consistent, be focused and be dedicated. Okay? यहाँ पर आपकी job की बात है. And if you come out of a college without having a job, that gives you an extra pressure. एक थोड़ा pressure होता है. Obviously, you can crack companies even if you do not get placed in campus, of course. But एक थोड़ा सा pressure रहता है. तो while you are in college, you can apply for campus placements, you can apply for off-campus placements. But in 4 साल में, if you get a placement, आपके सर से एक burden हट जाता है. And then you are free to perform better. उसके बाद आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू क्रैक एनी अदर कंपनी. ओके, सो हेयर यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी फोकस्ड एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ओके, दिस वॉज पॉइंट नंबर 1. नाउ द थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू गिव टाइम. अब कई बार क्या होता है कि यू हैव एग्जाम्स, यू हैव फैमिली फंक्शंस, यू हैव ट्रिप्स, बट यू हैव टू गिव अ शॉर्ट टाइम. अगर उस टाइम पे आप पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं या टाइम नहीं एलोकेट कर पा रहे हैं, स्टिल एक छोटा सा टाइम निकालो, एटलीस्ट ट्राई टू डू 1 or 2 प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके, फ्लो नहीं तोड़ना. फ्लो टूटेगा तो पता है क्या होगा, एक इसका चेन रिएक्शन होता है. यू विल नॉट बी डूइंग समथिंग टुडे, कल भी मन नहीं करेगा करने का, फिर उसके बाद भी मन नहीं करेगा, और एक हफ्ता अगर आपने नहीं किया कंप्लीट आपका फ्लो टूट जाएगा. तो हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है वो बिल्कुल आपका यहाँ से वैनिश हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू गिव टाइम. टाइम निकालना पड़ेगा. अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं, देन यू कैन क्रैक एनी कंपनी. ओके, और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू फोकस, टू बी कंसिस्टेंट, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्लान एज वेल. ये सब कुछ है आपके पास. नाउ व्हाट एक्चुअली डू वी नीड टू स्टडी, हमें क्या क्या पढ़ना है फॉर प्लेसमेंट्स? द फर्स्ट थिंग इज DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. सबको पता है DSA इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हमारे इंटरव्यूज में हर राउंड में ही पूछा जाता है, वेदर इट इज ऑनलाइन राउंड, वेदर इट इज योर फेस टू फेस इंटरव्यूज. ओके, सारे राउंड में आपका DSA पूछा जाएगा. ऑल राइट, आई विल बी टेलिंग यू इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज कि DSA किस तरीके से यू कैन कवर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी जीरो लेवल. जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है वो कैसे इसको टैकल करें, और जिनको आती है वो क्या करें. ओके, आई विल बी टेलिंग यू. नाउ बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी टेल यू अबाउट कोर्स स्टूडियो, विच इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन प्रिपेयर फॉर योर कोडिंग इंटरव्यूज. ओके, सो इन दिस प्लेटफॉर्म यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टफ रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स. यू हैव इंटरव्यू प्रॉब्लम्स एंड दीज प्रॉब्लम्स can be sorted according to the company in which they are asked. So let us say if you are preparing for any particular company, so what you can do is you can go to that particular company's tag. Let us say I'm going for Amazon, and then all the problems which have been asked in Amazon will be listed down here. Okay, and in front of each problem you also have the average time to solve this particular problem. Aur yahan par kuch aisa paid wala feature nahi hai, so all the problems are open. Just in case you are not able to solve them by yourself, you can go to the solutions. So all the approaches to solve a particular problem are mentioned here, from brute force to the most optimized approach. Okay, and you can see the languages here are Python, Java and C++. Apart from this, there are interview experiences which you can read. So if you have interviewed in any of these companies, you can go and read its interview experience from here. Okay, now on Course Studio, you can also solve my 250 questions DSA sheet, and here you have the sheet. So you can start solving questions on Course Studio. You will find the link in the description. So once you are done with DSA,
ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप DSA करते चले जाएंगे उसके बाद फिर आप जाके दूसरे दूसरी चीज़ों को पकड़ेंगे। पैरेलल टू दिस, ओके, पैरेलल टू दिस यू विल ऑल्सो ट्राई टू कवर योर सब्जेक्ट्स। ओके, सब्जेक्ट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें से कुछ ही सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। वन ऑफ देम इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स, CSE हो या नॉन CSE हो, दोनों को ही ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। उसके बाद यू हैव डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक, ईजीएस्ट सब्जेक्ट, एंड अगेन आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स। देन यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यू हैव कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, नाउ कंप्यूटर नेटवर्क्स इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं देन यू आर 95% प्रिपेयर्ड। अगर ये भी कर लेते हैं आपकी प्रिपरेशन 100% हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट्स व्हाट एल्स डू वी हैव? वी हैव प्रोजेक्ट्स। ओके, वी हैव प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए व्हाट डू यू नीड? यू नीड अ गुड डेवलपमेंट स्किल, वेदर इट इज योर वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड, वेदर इट इज मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स। तो इनमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन मूव अहेड विद दैट। इवन ब्लॉकचेन भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इसमें से अगर आप एक पिक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरेस्ट, यू कैन मेक अ प्रोजेक्ट एंड देन पुट इट इन टू योर रेज्यूमे। अब यहाँ पर रेज्यूमे का नाम आया है। ओके, तो रेज्यूमे आपको बनाना है बहुत ही अच्छा वाला। उसके लिए आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि एकदम इनफॉर्मल सा रेज्यूमे बना के पकड़ा दिया, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो रही हैं, ग्रामेटिकल एरर्स भी हो रहे हैं एंड उसमें सब कुछ कवर भी नहीं किया हुआ, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप रिक्रूटर के पास जाके बताओगे रिक्रूटर मेरे को ये चीज़ें आती हैं। इट इज़ योर रेज्यूमे विच स्पीक्स फॉर यू। ठीक है, तो आपको रेज्यूमे बनाना है बहुत अच्छा। उसमें होना चाहिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट। ठीक है, एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। आपने जो जो अचीव किया है, वेदर इट इज़ इन हैकाथॉन्स, इन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन और इन कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग, कुछ भी हो, कुछ भी अचीव किया हो वो उसमें मेंशन किया होना चाहिए। ठीक है, रिज्यूमे पे मैंने ऑलरेडी सेशन लिया हुआ है, मैंने अपनी सिस्टर का रिज्यूमे शेयर किया था। शी गॉट प्लेस्ड एट माइक्रोसॉफ्ट, उसने इंटर्नशिप की है ऊबर से, तो उसका रिज्यूमे आप लोग देख लेना। वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप देख लेना क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं रिज्यूमे में। बहुत ही अच्छा वो प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, यू कैन गो एंड वॉच दैट। ठीक है, नाउ आफ्टर प्रोजेक्ट व्हाट डू वी नीड? वी नीड लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन। ओके, लो लेवल डिज़ाइन जिसको बोलते हैं, लो लेवल डिज़ाइन, बस दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड। ठीक है, अब इन सबको कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है, आई विल बी टेलिंग यू इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज। और एक और चीज़, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग अ लॉट ऑफ DSA लेक्चर्स। DSA को अच्छी तरीके से कवर कराने के लिए आई एम क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, सो वो भी आपके पास मंथली बेसिस पे आता रहेगा। जैसे मैंने लिंक लिस्ट की एक प्लेलिस्ट डाली हुई है ऑलरेडी, इसी तरीके से और भी प्लेलिस्ट आती रहेंगी। ऑलराइट, आई विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड लेक्चर्स फॉर लो लेवल डिज़ाइन। ओके, बाकी ये सारी चीज़ें कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, आई विल लेट यू नो। चलो, तो ये हमने कवर कर लिया कि हमें क्या क्या करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, दैट इज़ योर एप्टीट्यूड। अब इसमें एप्टीट्यूड में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सो आई एम नॉट इंक्लूडिंग इट हियर। एप्टीट्यूड में आपका वही एक दो दिन की प्रैक्टिस लगेगी बस, और योर द स्टडी ऑफ योर रेज्यूमे, अपने रेज्यूमे को अच्छे से स्टडी कैसे करना है, दैट ऑल्सो टेक्स 1 or 2 days बिफोर द इंटरव्यू। ठीक है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा, बट आई एम नॉट मेंशनिंग इट हियर बिकॉज दोज थिंग्स आर नॉट टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, रेज्यूमे में जो भी आपने मेंशन किया हुआ है, यू ऑलरेडी नो दैट स्टफ। यू जस्ट हैव टू बी रेडी टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम योर रेज्यूमे। एंड वन मोर थिंग, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैनेजरियल राउंड, द HR राउंड। तो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी क्लियर ऑल द टेक्निकल राउंड्स, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज हो जाती है, वी डू ऑल दीज थिंग्स, बट देन रह जाता है HR राउंड। अब उसमें आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हैं। आई हैव सीन दीज केसेज इन माई कॉलेज, इन ऑफ कैंपस होता है, ये बहुत बार होता है, एंड बहुत बार नहीं, हर बार ही होता है, हर कंपनी में होता है, पीपल आर रिजेक्टेड इन द HR राउंड एज वेल। अब उसकी क्या वजह है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन सेपरेट वीडियो, कि क्यों ऐसे रिजेक्ट होते हैं। अभी के लिए दिस इज द प्लान एंड दिस हाउ टू कवर ईच ऑफ दीज थिंग्स, ये सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, सो इफ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू।